सिटी न्यूज बुलेटिन के इस स्पॉट एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें 9096846111। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज चैनल। सिटी न्यूज के हिंदी समाचारों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सिटी न्यूज केबल के अलावा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब अकाउंट सब्सक्राइब करें। YouTube के अकाउंट को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। वैसे ही सिटी न्यूज़ का फेसबुक पेज लाइक कीजिए। आप WhatsApp पे भी सूचना देकर न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। WhatsApp नंबर नीचे स्क्रीन पर आ रहा है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचारों की सुर्खियाँ। ये थी आज के मुख्य समाचारों की सुर्खियां और विस्तार से समाचार ब्रेक के बाद। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः आपसे मिलेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर अमरावती। सिटी न्यूज के हिंदी समाचारों की शुरुआत करते हैं समाचारों में। सबसे पहले, बुलढाणा पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर श्री कृष्ण गाड़गे अकोला निवासी को धर दबोचा, जिसके पास से 5,32,000 की कीमत के 56 मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस स्टेशन बुलढाणा शहर में अपराध के 331 19 धारा 379 भारतीय दंड विधान अनुसार अपराध दाखिल था। इस चोरी के गुनहगार को ढूंढ निकालना पुलिस विभाग के लिए चुनौती भरा साबित हो रहा था। पुलिस को मिली गुप्त सूचना अनुसार अकोला में भाड़े के मकान में रहने वाले श्री कृष्ण बलिराम गाड़गे उम्र 40 वर्ष को हिरासत में लेने पर उसने बुलढाणा अकोला वर्धा वाशिम से मोबाइल फोन चोरी को स्वीकार किया। पुलिस द्वारा बकायदा जाल बिछाकर उसके घर से 56 मोबाइल सेट अनेक कंपनी के जब्त किए, जिसकी कीमत करीब 5,32,800 रुपए है। आरोपी श्री कृष्ण बलिराम गाड़गे ये मोबाइल अधिकांश भीड़ भरे स्थानों से चुराने में माहिर है। सारे मोबाइल तथा आरोपी को बुलढाणा शहर पुलिस के ताबे में बुलढाणा गुना शाखा ने दिया। ये संपूर्ण कार्रवाई डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल पुलिस अधीक्षक बुलढाणा, डॉक्टर संदीप पखाले अपर पुलिस अधीक्षक बुलढाणा, महेंद्र देशमुख स्थानीय गुना शाखा बुलढाणा के मार्गदर्शन में की गई। बुलढाणा के शारदा विद्यालय में 12 जनवरी को अनुसूचित जमाति विशेष भर्ती मुहिम सरल सेवा भर्ती आयोग द्वारा आरोग्य सेवा पद की परीक्षा ली गई। आरोग्य सेवक पद की परीक्षा जारी रहते बुलढाणा के संजय विनायक दांडगे सीट नंबर 1491 पर चंदर बहुरे यह व्यक्ति परीक्षा केंद्राध्यक्ष पवार के शक के दायरे में आया। पवार द्वारा तहकीकात करने पर तथा तलाशी लेने पर चंदन बहुरे के पास सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन व पैन कार्ड मिलने पर संजय हिवाले की फरियाद पर आरोपी चंदन बहुरे पर 420 कलम अनुसार अपराध दाखिल करते उसे हिरासत में लिया गया। आज जिला निवड समिति बुलढाणा द्वारा आयोजित आदिवासी अनुसूचित जमातीच्या विशेष भर्ती सरल सेवा भर्ती होती, ज्याच्यामध्ये आरोग्य सेवक या पदाची परीक्षा होती। आणि ह्या परीक्षा ज्ञानपीठ विद्यालय बुलढाणा येथे पण होती, त्याचं एक केंद्र। तिथं जे संजय उत्तमराव हिवाळे म्हणून जे इन्व्हिजिलेटर होते, त्या इन्व्हिजिलेटरना चंदन रामचंद्र बहुरे हा एक विद्यार्थी आहे, जो याच्या म्हणजे त्याची स्वतःची पेपर आयोजित तो संजय विनायक दांडगे याचे नावाने असणाऱ्या 1491 या आसन क्रमांकावर परीक्षा देत असताना मिळून आला। त्यांनी चौकशी करून त्यांना ज्या पद्धतीनं जो विद्यार्थी पाहिजे तो विद्यार्थी नसताना दुसराच विद्यार्थी त्याच्यावर परीक्षा देत असल्याचं निष्पन्न झाल्यावरून आमच्याकडे त्यांनी तक्रार दिली। त्या तक्रारीवरून आम्ही चंदन रामचंद्र बहुरे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदरचा प्रकार हा संजय विनायक दांडगे याच्या संमतीने होत असावा असा अंदाज आहे, म्हणून आम्ही संजय विनायक दांडगे याचा शोध घेऊन त्यालाही या गुन्ह्यात आरोपी करणार आहोत। जय भगवान गोयल लिखित आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी इस पुस्तक के विमोचन के बाद पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
अमरावती जिला के अंजनगांव सुरजी में कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन कर अपनी भावनाएं व्यक्त की। नरेंद्र मोदी की तुलना महाराष्ट्र के दैवत माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ करना अहितकारी है। अंजनगांव सुरजी कांग्रेस पक्ष द्वारा निषेध प्रदर्शित करते तहसील कार्यालय समक्ष नारेबाजी करते तहसीलदार अंजनगांव सुरजी को ज्ञापन दिया गया तथा पुस्तक का धिक्कार किया गया। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आज एक गोयल नाम के लेखक ने शिवाजी इनका संबोधन एक सिंगल नाम से किया, जो छत्रपति राजा है और जो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं और भारत नहीं तो पूरे दुनिया में मशहूर है, जिसके नाम का स्टडी किया जाता है, उसने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया और किसी पर अन्याय नहीं होने दिया। ऐसे आदमी की तुलना इन्होंने एक सामान्य आदमी के साथ में की। एक सामान्य आदमी जो अभी भी जिसके नाम से FIR दाखिल है, ऐसे आदमी से जो एक युग पुरुष कहलाता है उसके नाम का कंपेरिजन करना ये कदापि कोई भी सहन नहीं करेगा। और इसलिए पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में इसका निषेध किया जा रहा है और कांग्रेस कमेटी की तरफ से अंजनगांव सुरजी कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम इसका निषेध करते हैं और इसके बारे में निवेदन हमने तहसीलदार साहब को दिया है और हमारी भावनाएं वो ऊपर तक पहुंचाएंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। आमचा महाराष्ट्र राज्याचं दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जो इतिहास घडलेला या देशाला त्यांचं जे आराध्य दैवत आमचं जे आहे ते त्यांच्या पावलावर पाहून या देशाची राजघटना चालते, त्यांचे विचार आम्ही घेऊन चालतो। त्या छत्रपतींच्या नावाचा त्यांच्या नावाची तुलना करून कोणी जर म्हणत असेल की या तुलनेचा मनुष्य या युगात आताच्या पिढीत तयार झालेला आहे एक फार निंदनीय आहे, घृणास्पद आहे। दिल्लीच्या जय भगवान गोयल या लेखकाने अशा प्रकारचं पुस्तक लिहिलेलं आहे की आज का शिवाजी नरेंद्र मोदी किती घृणास्पद हे वाक्य आहे की तो एक आताचा एक लेखक आमच्या आदरणीय आदरस्थान असलेल्या आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल एकतर एकेरी भाषेत बोलून की आज का शिवाजी ही भाषा त्याची किती निंदनीय आहे, घृणास्पद आहे। त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर न करता त्यांच्या तुलनेचा माणूस या युगात आलेला आहे असं जे हा वाक्य सांगतो असं पुस्तक जो लिहितो त्या पुस्तकाचा आम्ही निषेध नोंदवलेला आहे। त्याचप्रमाणे त्या पुस्तकावर तात्काळ बंदी करून त्या जय भगवान गोयलवर कारवाई करण्यात यावी अशी आमची अंजनगाव तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आम्ही तहसीलदार साहेबांना मुख्यमंत्र्याकडे पाठवण्याकरता निवेदन दिलेलं आहे। नहीं चलेगी धाराशाही नहीं चलेगी। गोयलचा निषेध असो भारतीय जनता पक्षाचा निषेध असो भारतीय जनता पक्षाचा निषेध असो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी इस पुस्तक पर विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। अमरावती में भी शहर जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने लिखित पुस्तक का निषेध किया। महाराष्ट्र के दैवत कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना नरेंद्र मोदी के साथ करने पर करीब करीब सारे महाराष्ट्र ने गोयल की इस किताब को नापसंद किया है। इस विषय का निषेध व्यक्त करने इरविन चौक के बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाला साहेब थोरात के आदेश से निषेध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा का जाहिर निषेध के नारे दिए गए। अध्यक्ष सलीम मीरावाले, तनवीर आलम, दिनेश खोड़के, अभिनंदन पेंडारी, अतुल कड़वे, राजू बाबा शेख अलीम, पुरुषोत्तम मुंदड़ा, भोजू रायली वाले आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आज अमरावती शहर आणि महिला काँग्रेसतर्फे हा जो भाजपचा निषेध करण्यासाठी आम्ही इथे जमलेलो आहे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ, त्याचं कारण असं की गोयलने जे पुस्तक काढलेलं आहे त्या पुस्तकामध्ये आजचे शिवाजी नरेंद्र मोदी असं जे लिहिलेलं आहे, तर मला नरेंद्र मोदींनाच हे म्हणायचं आहे की शिवाजी महाराजांच्या नखाची तरी सर नरेंद्र मोदी करतात का? जर करत असेल तर त्यांनी जाहीर बोलावा, नाही तर याचा आम्ही निषेध करतो। आणि जेव्हा हे जे भाजप म्हणत आहे की शिवाजी आज महाराष्ट्रात नाही तर पूर्ण जगामध्ये त्यांचं नाव आहे आणि नरेंद्र मोदीचं नाव त्या शिवाजी महाराजांना ते लावत आहे, तर आम्ही आज
सगळे जण महिला काँग्रेस आणि शहर काँग्रेस मध्ये त्यांचा निषेध करतो. नरेंद्र मोदीने तुलना केली हे बिलकुल सत्य नाही. शिवाजी महाराज कुठे आहेत आणि मोदी कुठे आहेत? बरसों बरस से मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ का नाम देने अनेक प्रयास किए गए, जिसे अंततः आज स्वीकृति प्राप्त हुई और नामकरण विस्तार हुआ. इस खुशी को जाहिर करने वंचित आघाड़ी द्वारा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की पूर्णाकृति प्रतिमा को पुष्पहार चढ़ाकर स्वागत किया गया. साथ ही CAA और NRC के विरोध में नारे लगाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि तथा गोयल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ नरेंद्र मोदी की तुलना करती किताब की प्रतिकृति जलाई गई, जिसका निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि जिसमें नरेंद्र मोदी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की गई. छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर हम जीवन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी कहीं नहीं दिखते हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की संकल्पना की और किसान हो, मजदूर हो, हर समाज का व्यक्ति हो, उसको न्याय दिया. आज नरेंद्र मोदी जो सामान्य एक आदमी बोलते हैं ना कि गुड ह्यूमन, उसमें भी क्वालिफाई नहीं करते हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत दूर दूर की बात है. ये बार बार RSS और मनुवादी संगठन इस तरह के प्रयास जानबूझ के करते रहते हैं. उनके जो चट्टीधारी लोग हैं और ऐसे लोग जो दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, उनको बड़े बड़े लोगों के साथ में उनको कंपेयर करके उनकी जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये जो छवि सुधरने वाली नहीं है. नरेंद्र मोदी इस देश में गुजरात के कई जो बेचारे जिनके खून से उनके हाथ रंगे हैं, उनसे वो ऐसे इंसान है जो एक फांसीवादी सोच वाले, एक फांसीवादी सोच वाला, एक स्वराज की संकल्पना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज से उनकी तुलना नहीं की जाती. इसका हम निषेध करते हैं. आज 14 जानेवारी हा नामांतराच्या दिवसानिमित्त आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी इथे जमलेले आहोत. आमच्या सोबत सर्व समूहाचे सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते नेते उपस्थित आहेत. आपल्याला माहीतच आहे की या देशाच्या विधान परिषदेमध्ये 1978ला बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव मराठवाडा विद्यापीठाला द्यावं असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. परंतु इथल्या काही जातीवादी प्रवृत्तीच्या लोकांनी याला विरोध केल्यामुळं हा संघर्ष आम्हाला 16 वर्ष सातत्याने ही लढाई लढावं लागली आणि शेवटी भारतीय संविधानाचा विजय होऊन हा नामविस्तार करण्यात आला. आणि त्याच अनुषंगाने आज वर्तमान कंडिशनमध्ये जे काही RSSचं सरकार आहे त्यांनी या भारताचं संविधान जे धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर आहे त्याला बगल देण्याकरिता त्यांनी हा CAA आणि NRC कायदा इथे आणलेला आहे. त्या कायद्याचा सुद्धा आम्ही निषेध करतो आणि सांगू इच्छितो की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर सरकारमध्ये येणारे हे चट्टीधारी नरेंद्र मोदीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे समकालीन किंवा त्यांच्या बराबरीनं त्यांचं स्थान निर्माण करण्याचा इथे प्रयत्न. मैं अब्दुल रफीक, MIM का ताल्लुक का प्रमुख चांदरू बाजार का. आज जो हमारे सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबर बताया गया पुस्तक के अंदर, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो काम है मुस्लिम समाज के साथ में, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल के अंदर मुसलमानों को 57% आरक्षण दिया था. शिवाजी महाराज के शासनकाल के अंदर जो बड़े बड़े जो पद थे, तोपखाने का सरदार, सिपे सालार, सेनापति, शिवाजी महाराज के अंगरक्षक, शिवाजी महाराज के वकील जनरल जिसे कहा जाता था, शिवाजी महाराज के वैद, वो मुसलमान थे. औरंगज़ेब की कैद से जब आज़ादी का वक्त, रिहाई जो दी गई शिवाजी महाराज को, वो मदारी मेहतर, वो मुसलमान थे.
ये शिवाजी महाराज के विचार है, मानसिकता है मुसलमानों के ताल्लुक से, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आरएसएस माइंड के है उनकी मानसिकता देखो मुसलमानों के ताल्लुक से, वो जो है तो मुसलमानों को कत्लेआम किया गया गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जिस वक्त में सीएम थे वहाँ के, और आज जो है तो भाजपा सरकार के अंदर जिसके मेन हेड नरेंद्र मोदी है और मुसलमानों को निकालने के लिए CAA का कायदा लाया गया है और मुसलमानों को निकाला जा रहा, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा। शिवाजी महाराज ने सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया इस देश के अंदर, और नरेंद्र मोदी जो है तो हिंदुत्व का कायदा ला रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज तो बहुत दूर की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो घोड़ा था नरेंद्र मोदी उसके धूल की बराबर भी नहीं है। मैं इस जो अभी वक्त है सुनने में आया किताब जो निकली हुई है उसका निषेध करता हूँ, निषेध करता हूँ, निषेध। मी सतीश इंगोले, थोड़ा सा वो जिला सरचिटणीस भारतीय बौद्ध महासभा, ज्या पद्धतीने शिवाजी महाराजांच्या सोबत स्वतःची तुलना करून पुस्तक लिहून घेऊन स्वतःची पाठ उपटण्याचा जो प्रकार नरेंद्र मोदी सारख्या देशाच्या सर्वोच्च पदी असलेल्या व्यक्तीने स्वतःची पाठ उपटून घेणे याचा सर्वात जास्त मोठ्या प्रमाणात निषेध नोंदवला गेला पाहिजे। मी व्यक्तिशः भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीने ह्या गोष्टीचा जाहीर निषेध करतो की ज्या पद्धतीने शिवाजी महाराजांच्या आजचे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे नरेंद्र मोदी असा बागुलबुवा करणारा नरेंद्र मोदी, तो त्यांच्या सैन्याच्या शिपायाची लायकी नसलेला नरेंद्र मोदी आज जर स्वतःची तुलना शिवाजी महाराजांसोबत करत असेल तर कुठे शिवाजी महाराज कल्याणच्या सुभेदाराची सून परतून लावणारे आणि कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला महाराजांच्या समोर हजर करणाऱ्या ब्राह्मणी माणसाला छत्रपतींनी सजा दिली आणि कुलदीप सेंगर सारख्या हरामखोर आमदार जो एका स्त्रीचा बलात्कार करून त्यांचं पूर्ण कुटुंब नष्ट करतो अशा लोकांना पनाह देणारा नरेंद्र मोदी स्वतःची तुलना जेव्हा शिवाजी महाराजांसोबत करतो त्यावेळेस शिवाजी महाराजांना त्यांना मानणाऱ्या वर्गाला आपसुकच दुःख पोचलेलं आहे। आणि अशा वेळेस पंतप्रधान असूनही जर अशा खालच्या दर्जाच्या तुलनात्मक पुस्तकांना तो सहमती देत असेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर त्यांचा आम्ही जाहीरपणे निषेध करतो, निषेध करतो, निषेध करतो। शिवाजी महाराज हिंदुत्व के सम्राट है, उनकी जो पदवी है और जो काल में उन्होंने काम किए हिंदुत्व के लिए और ये काल में जो नरेंद्र मोदी साहब काम कर रहे हैं और वो काल को मिला के एक काल में उनकी उनसे अगर से निंदा करते हैं उनके बराबरी में आने का दर्जा बनाते हैं तो ये उनके लिए ठीक नहीं है। जो शिवाजी महाराज थे वो शिवाजी महाराज ही रहेंगे और जो नरेंद्र मोदी थे देश का चपरासी बना के बिठाए तो चपरासी रहेंगे, वो हिंदुत्व के सम्राट थे वो सम्राट ही रहेंगे, आपकी चपरासी की औकात है आप चपरासी में रहेंगे। तो बाकी भी जो पुरुष है अपने देश के इन्होंने आज़ादी के लिए चाहे मुगलों से बोलो चाहे अंग्रेजों से बोलो इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है अपने जितने भी पुरख है तो ये आज का जो नरेंद्र मोदी यहाँ सिंहासन पे बैठा है तो ये उस लड़ाई से नहीं बैठा हुआ है, ये तो जात और पात और भेदभाव के आधार पे बैठा है। जितने भी पुरुष अपने देश के गुजरे तो इन्होंने जात पात की लड़ाई नहीं लड़े और जात पात की लड़ाई लड़ाकर संघर्ष नहीं करे इन्होंने और इन्होंने अपना स्वाद नहीं देखे, वो भी कुछ करे देश के लिए किए, ये आज देश का संविधान भी खराब कर रहे और देश के जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनका अपमान कर रहे, तो इसलिए इन्होंने जो किताब लिखी है इनका मैं निषेध करता हूँ, निषेध करता हूँ, निषेध करता हूँ। मैं रहमत खान उफरम हूँ, राजवीर संगठना का संस्थापक अध्यक्ष अमरावती। सबसे पहले मैं आपके सामने बताऊँ कि आज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये जो किताब विरोध में बनाई गई है हम उस नरेंद्र मोदी का तय दिल से विरोध करते हैं। खास बात तो यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की विचारधाराओं के का उल्लंघन करते हुए उन्होंने इस पुस्तक का निर्माण किया है और उनके विचारों से इनकी तुलना नहीं करनी चाहिए नरेंद्र मोदी की। आपने बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की उनसे तुलना कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के उपलब्धियों का कारण। सबसे पहले एक दौर था, इतिहास है कि रायगढ़ के अंदर में जब उनकी सल्तनत थी उस समय में वो राजाशाही करते थे, वहाँ पर रायगढ़ के अंदर में मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए जगह नहीं थी,
तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को हुक्म दिए रायगढ़ के अंदर में, आज भी इतिहास है कि वहाँ पर जगह उपलब्ध करा के मुस्लिम समाज को वहाँ पर एक साइड में मस्जिद बना करके दिया मंदिर के बाजू में, और वहाँ मस्जिद बना करके दिया और वहाँ पे मुसलमान समाज नमाज अदा करता था। आपको बता दूँ कि उनके तोपखाने का सिपा सलार दौलत खान थी, मुसलमानों की ऐसी, अभी आपके सामने बहुत ही मान्यवरों ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में मुसलमान उनके खास करके बॉडी गार्ड थे, मदारी मेहतर जो लखनऊ के जेल में थे उस समय में, और उनके ऊपर आने वाली विपत्ति, शिवाजी महाराज के आंग पर आने वाली विपत्ति को उन्होंने दूर करते हुए कहा कि महाराज आप इस रास्ते से निकल जाइए, बाकी हम संभाल लेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी कुर्बानी दिया। अभी नरेंद्र मोदी की तुलना करना ये कहाँ तक क्यों उचित है, ये सब बकवास है, और ये इनकी विचारधारा कुछ अलग ही चल रही है। मुझे आप बताइए कि आरएसएस के मोहन भागवत कौन है ये, इनको जो नरेंद्र मोदी साहब ने जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई, उसके बाद में बीएमडब्ल्यू कार दी गई है, मोटी रकम दी जा रही है, ये कहाँ का पैसा है, कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट है ये, कौन से गवर्नमेंट के पद पर है ये, ये सोचना चाहिए। ये जनता का टैक्स का पैसा है, हमारा बौद्धिस्ट लोगों का, क्रिश्चियन भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, मराठा भाइयों का, दलितों का, ये सारी सभी जितनी भारत देश की जनता है उनकी खून पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा है, ये इसी तरह फिजूली में उड़ा। और ये फालतू एनआरसी सीए जैसे कायदे ला करके देश के अंदर में मुस्लिम हिंदू भाइयों में और बौद्धिस्ट में दलितों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, ये आपको सरकार चलाने के लिए दिया गया है तो सरकार तरीके से चलाए, इससे पहले भी बहुत से सरकारें आई है और शांति से चलाई है, आप भी चलाइए। मैं हमीद खान, रहीम खान, चांदू पठान, चांदू बाजार, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा जो भारत देश है ये लोकशाही देश है, और इस लोकशाही देश में ये नरेंद्र मोदी हुकुमशाही कर रहा है, ये बाबा साहेब के संविधान को बदल रहा है, और ऐसे देशद्रोही जी को शिवाजी महाराज की तुलना करने से मैं इतराज करता हूँ और इसका निषेध करता हूँ। जय शिवराय, मी गौरव किटुकले, या भाजप सरकारचं निषेध करतो, त्यांनी आमच्या महाराष्ट्राचं अरे दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी राजे यांची तुलना करून गोयलनी जे पुस्तक काढलं शिवाजी महाराजांची जी तुलना केली त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। मी बहुजन क्रांती मोर्चाच्या वतीने गौरव किटुकले, या भाजप सरकारचा तसंच या हिटलरशाही मोदीचा सरकारचा विरोध करतो। आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी इस पुस्तक पर महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि शिवाजी बनना तो दूर की बात है, भक्त बनो तो वही बहुत है। तर तुलना नहीं हो शकत, सात जन्म ने सात पीढ़िया पूरा आयुष्य जरी झिजून काढलं तरी छत्रपति तुलना मोदीजी करू शकत नहीं। एक दिवसाचा एक प्रसंग सुद्धा मोदीजींनी छत्रपतीचा कधी तशा प्रकारचा संघर्ष कधी केला नसणार, आणि असा तुलनात्मक पुस्तक काढणं याच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, त्या बंदी झाल्या पाहिजे, अशा प्रकारचं म्हणजे तुलना करणं मला वाटतं अत्यंत चुकीचं आहे। अतिशय ही जी प्रथा आहे मोडीत काढणं गरजेचं आहे। छत्रपतीने स्वराज्य निर्माण केलं, स्वतःचं स्वराज्य इथं निर्माण केलं, त्या स्वराज्याचे हे फक्त पायिक आहे, पायिक म्हणू शकतो, भक्तही पुरे नाही आहे। शिवाजी महाराज होणं तर फार दूरची गोष्ट आहे, त्यांना भक्त जरी झाले ना मोदीजी तरी भरपूर झाला। एखाद्या एका शेतकऱ्याच्या देठाला सुद्धा हात लावू नका असे म्हणणारा छत्रपती, आणि दुसऱ्या इकडे अख्खा शेतकरी लुटून बर्बाद करायचा ते असे असणारे मोदीजी, हे शिवाजी महाराज कसे। सीएए एनआरसी के विरोध में संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से चांदूर बाजार में 10 जनवरी को जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी आयोजित पत्रकार परिषद में समिति के अध्यक्ष अब्दुल रफीक ने दी। 16 जनवरी सुबह 11 बजे महानगर समीपस्थ चांदूर बाजार में एनआरसी तथा सीएए के विरोध में भव्य रैली तथा जनसभा का आयोजन किया गया है। इस सभा तथा रैली के संयोजक संविधान बचाओ संघर्ष समिति है। समिति के अध्यक्ष अब्दुल रफीक ने एक पत्रकार परिषद में निषेध रैली तथा सभा की जानकारी देते कहा कि इस विरोध सभा में वंचित आघाड़ी के एडवोकेट सिद्धार्थ गायकवाड़, राजवीर संगठना के रहमत खान के साथ अनेक राजकीय पक्ष सम्मिलित होंगे। मैं अब्दुल रफीक अब्दुल रहमान, संविधान बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष। हमने इस बैनर तले
CAA NRC NPR इसके विरोध के लिए 16 जनवरी 2020 को चांदरो बाजार के अंदर सभी सामाजिक संगठना, जिसमें मराठा समाज है, SC समाज है, मुस्लिम समाज है और अदर जाति के भी लोग हैं, जिसमें आदिवासी जाति भी आती है, उन्होंने CAA NCR NPR का विरोध दर्शाया है। ये कानून जो है तो देश के अंदर देश की फाड़नी के लिए आया है। एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है और जो है तो ये देश के अंदर टुकड़े करने वाला कानून है। इस कानून के अंदर ये बताया गया है कि मुस्लिमों को छोड़कर जितनी भी जातियां हैं उन तमाम को हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाएंगी, भारत की नागरिकता दी जाएंगी, इसका हमें विरोध है। ये कानून 1955 के अंदर लाया गया था और इस कानून के अंदर 1955 के कानून से हमको कोई एतराज़ नहीं है। 10 जनवरी 2019 को एक अमेंडमेंट लाया गया जिसे CAA कहा जाता है, उसके अंदर मुस्लिम शब्द निकाला गया कि सबको नागरिकता मिलेगी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए तमाम लोगों को नागरिकता मिलेगी सिर्फ मुस्लिम छोड़कर। उसको हमारा विरोध है। इस देश के अंदर रहने वाला मुस्लिम भी जो है तो उसके पुरखों ने इस देश की लड़ाई लड़ी और फिर हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा। तमाम जातियों को देश की नागरिकता दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम छोड़कर। इस मुस्लिम शब्द पर जो है तो ये सारा जो है तो बवाल है। NRC, CAA और NPR के विरोध में अकोला के जिलाधीश कार्यालय के सामने जन सत्याग्रह संगठन द्वारा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। NRC तथा CAA और NPR का सख्त विरोध कुछ संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इस कानून को वापस लेने जिलाधिकारी कार्यालय अकोला समक्ष जन सत्याग्रह संगठन द्वारा धरना आंदोलन किया गया। अबाल वृद्धों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जन सत्याग्रह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अहमद खान ने इस काले कानून की भरबस न करते किसी भी शासकीय कर्मचारी को इस नियम के कागजात न देने कहा। इस अवसर पर उनके द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में यह नियम लागू न करने आभार व्यक्त किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हे सगळे मिळून राहतात आणि आज हे यांनी जे CAA NRC कानून आणलेले आहे हे पूर्णपणे गैरसंवैधानिक आहे, कारण आर्टिकल 14 मध्ये याचा उल्लंघन होत आहे की आपण जातीच्या आधारावर कोणाला नागरिकता नाही देऊ शकत आणि यामध्ये NRC मध्ये हे जातीच्या आधारावर, CAA मध्ये जातीच्या आधारावर हे नागरिकता देत आहे आणि त्यांना असं म्हणत आहे की जर तुम्हाला धार्मिक जातीने प्रताडित केले जात असणार तर तुम्हाला नागरिकता मिळणार। तर ते नागरिकता मिळण्यासाठी काय म्हणणार की हो आम्हाला जातीनेच प्रताडित करण्यात येत होता, ते नागरिकतेसाठी तो खोटं बोलणारच ना। तर हे जे कानून त्यांनी आणलेलं आहे पूर्णपणे गैरसंवैधानिक आणि आम्ही याचा पुरतोड विरोध करतो। जेव्हापर्यंत BJP सरकार CAA NRC हे कानून मागे घेत नाही तेपर्यंत आम्ही ते अमित शाह म्हणत होते आम्ही 1 इंच पण याच्या मागे सरकणार नाही, ते म्हणत होते 1 इंच, आम्ही म्हणतो आम्ही 0.5 सेंटीमीटर पण मागे सरकणार नाही ज्यापर्यंत हे कानून मागे घेतलं जात नाही आणि आम्ही आपल्या आमच्या अंतिम श्वासापर्यंत या कानूनच्या विरुद्ध लढणार आणि त्यांना हे कानून मागे घ्यास लागणार तर आम्ही लढेंगे या मरेंगे ही भूमिका आम्ही स्पष्ट करून सांगतो। की ओर से एक दिन का धरना आंदोलन दिया गया है NRC, CAA, NPR के विरोध में। यहाँ पर सभी धर्मों के और लोग यहाँ पे मौजूद थे और आज हमारा ये धरना बहुत अच्छी तरीके से पूरा हुआ है। हम जन सत्याग्रह संगठन की ओर से गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जो देश विरोधी बिल उन्होंने जो लेकर आए हुए हैं, एक्ट बनाए हैं, उसको वापस ले। अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो देश बर्बाद होने की कतार के ऊपर है। हम गवर्नमेंट को ये चेतावनी देकर बता रहे हैं कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो हम इसी तरीके से धरना आंदोलन करते रहेंगे, अपना एहतजाज करते रहेंगे और गवर्नमेंट को वापस लेना ही पड़ेगा। आज यहाँ पर जो हम सब लोग जमा हुए हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो एकदम योग्य मांगनी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये धरती, ये विश्व सभी का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हमारा देश जो है भारत देश वो तो सभी जाति, सभी सर्वधर्म संभाव के लिए प्रसिद्ध है। फिर ये जो नए कानून BJP सरकार ला रही है ये सभी के लिए बहुत ही धोखादायक है।
सभी समाज के लोगों के लिए ये धोखादायक है और ये कानून को वापस लेना ही चाहिए, ऐसी हमारी सबकी मांगनी है। डेली का एक घंटा देंगे वो सबके सब, तो डेली का एक घंटा देने वाले हम यहाँ बने। उसी तरह से मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने काम धंधे में से थोड़े वक्त निकाल कर जैसे ही अपने शोहरों का टिफिन, अपने बच्चों का टिफिन बना रही है उस वक्त में उनको भी ये कहते हैं कि बेटा जाते जाते वहाँ थोड़ा हाजिरी लगा देना और आते आते भी थोड़ी हाजिरी लगा देना, तो आपका यहाँ आना इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। इसी के साथ मैं अपने जो अल्फाज खत्म करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख द्वारा 13 जनवरी को स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य मतिमंद मुकबधिर लावारिस बाल गृह को स्नेह भेंट दी गई। मंत्री अनिल देशमुख ने आश्रम के बालक बालिकाओं के साथ संवाद साधा, खुद अपने हाथों से चूल्हे पर चाय बनाई तथा बालकों को पिलाई। करीब 22 वर्ष पूर्व नागपुर रेलवे स्टेशन पर वर्षा नामक लड़की मिली जिसका लालन पालन वज्जर आश्रम में हुआ। इसी वर्षा की शादी आश्रम के लड़के समीर से होना निश्चित हुआ। इन विवाह इच्छुक युवक युवतियों को माला पहनाते उनकी सगाई की रस्म पूरी की गई। अपना दायित्व समझते, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वर्षा समीर का विवाह उनकी उपस्थिति में नागपुर में किया जाएगा ऐसी घोषणा की। इस समय 123 विकलांग बालक बालिकाएं इस आश्रम में हैं। 18 साल पूर्ण होने पर उन्हें आश्रम में रहने अनुमति नहीं, ऐसा कानून बनाया है। इस कानून की सुधारना न्याय मंत्री करे, इस हेतु गृह मंत्री प्रयत्न करेंगे, ऐसी जानकारी दी गई। मीडिया स्वागत करती है मुख्यमंत्री जी, जाले नेता हा इतिहास राहणार आहे। महाराष्ट्र शासनाचे गृहमंत्री अपंग मुलांना चहा करून देत आहेत। याच्या पहिले सुद्धा मी 4 वर्षापूर्वी आलो होतो बाबा चहा तेव्हाही विदुरजी फार जुनी ओळख आहे। निजी स्कूलों के तर्ज पर अमरावती महानगर पालिका के स्कूलों में 7 जनवरी से 15 जनवरी तक बाल महोत्सव का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक भवन में 14 जनवरी को महापौर चेतन गावंडे के हस्ते स्नेह सम्मेलन बाल महोत्सव का उद्घाटन किया गया जिसमें सभी स्कूलों के विद्यार्थी शामिल हुए। बालकों के कला गुणों की जानकारी लेने, उन्हें प्रेरित करने शालाओं में वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन होता है। महानगर पालिकाओं की अनेक शालाओं का स्नेह सम्मेलन जिसे बाल महोत्सव नाम दिया गया, उसका उद्घाटन 14 जनवरी को सांस्कृतिक भवन में हुआ। चित्रकला स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शनी, विविध स्टॉल पर विविध वस्तु की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर आमंत्रितों का आगमन हुआ। उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलन पश्चात स्वागत गीत शालेय शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत हुआ। मान्यवरों के स्वागत पश्चात उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। छत्रपति शिवराय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर या महामानवांना मी त्रिवार अभिवादन करतो। दिनांक 7 जानेवारी ते 15 जानेवारी क्रीडा महोत्सव हो बाल महोत्सव हा आपल्या महानगरपालिकेच्या वतीने आणि शिक्षण समिती व महिला व बाल कल्याण समितीच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमाचं आज खऱ्या अर्थानं इथे उद्घाटन झालं असं। खास माननीय महापौर चेतनजी गावंडेकर,
माननीय उपमहापौर कुसुमताई साहू, माननीय महिला बाल कल्याण समितीचे सभापती ज्यांनी या बालमहोत्सव 2020 करता परिश्रम घेतले, अशा सभापती धरणेताई आणि उपसभापती खरडताई, त्याचसोबत शिक्षण समितीचे सभापती धर्मळगाव, मी सगळ्यांचं या ठिकाणी नाव न घेता सगळ्यांचं एकदा पुनश्च्या शब्द सुनणारे महानगरपालिका प्रशासन आणि दोन्ही समित्यांच्या वतीने या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. उपस्थित सर्वसन्मान्य सभापती, दोन समित्यांचे सभापती, विषय समित्यांचे सभापती, सर्वसन्मान्य आजी माजी नगरसेवक पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्वांचे पुनश्च्या एकदा स्वागत. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की परिंदो को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, परिंदो को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, वो खुद तय कर लेते हैं सफर आसमानों की, रखता है हौसला जो मंजिल को छूने का, परवाह नहीं होती उसे, परवाह नहीं होती उसे गिर जाने की, परवाह नहीं होती उसे गिर जाने की. सगळ्यांना माहित आहे की एखादं जर कार्य हातात घेतलं तर त्याचा शेवट पण चांगलाच व्हायला पाहिजे. महिला बालकल्याण समिती, महिला बालकल्याण विभाग, शिक्षण विभाग, आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे की घरातले दोन मुलं आपल्याला सांभाळताना काय अडचणी समोर येतात. विविध समित्यांच्या माध्यमातून मुलांना, मुलांचा आनंद कसा वाढेल. चेतन गावंडे, महापौर अमरावती महानगरपालिका. अमरावती महानगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभाग आणि शिक्षण विभागाच्या तर्फे आज सांस्कृतिक भवन इथे बालमहोत्सवाचे आयोजन केले आहे. महानगरपालिकेतील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणाला वाव देण्यासाठी आज आपण या ठिकाणी कला महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या कलागुणांना एक व्यासपीठ मिळावं आणि त्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून उद्याचा नागरिक घडावा या दृष्टीने हा उपक्रम अतिशय सुंदर असा या ठिकाणी आयोजित केला होता. या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांनी भरघोस पद्धतीने सहभागी झाले. येणाऱ्या काळामध्ये अमरावती महानगरपालिकेच्या सर्व शाळेतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि प्रगती या विद्यार्थ्यांमध्ये दिसून येईल. कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर चेतन गावंडे, अतिथि मनपायुक्त संजय निपाने, उपमहापौर कुसुम साहू, पूर्व उपमहापौर संध्याताई टिकले, शिक्षण सभापति, अधिकारियों के साथ सुनीता भेले, सोनाली नाइक, उइके वानखड़े, पुसतकर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे. ये समाचार यहीं रोकते हैं, फिर एक बार मुख्य समाचारों की ओर. चलते चलते देखते हैं आज का सुविचार. जीतने वाले कहते हैं मुझे कुछ करना है और हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए. अगर आप हमारा चैनल टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं तो तरोताज़ा समाचार देखने के लिए YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. आप Facebook पर भी ताज़ा समाचार देख सकते हैं. Facebook पर सिटी न्यूज़ का पेज लाइक करें. साथ ही WhatsApp पर भी ताज़ा समाचार देख सकते हैं. समय हो चुका है आपसे विदा लेने का. अगर आपको कोई जानकारी या सूचना देनी हो तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं. हमारा पता सिटी न्यूज़ कार्यालय, मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती. हमारा फ़ोन नंबर है 9403620111 और वेबसाइट है www.citynews.net.in. सही निर्भय समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ चैनल.